Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मसाज के बारे में। मसाज करने के क्या फायदे होते हैं, इसे कैसे किया जाता है और साथ ही इसे करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली सक्सेना। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का आप लाभ उठा सकें। दिनचर्या में जितना महत्व प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों, आहार, व्यायाम का है, उतना ही मसाज का भी है। संपूर्ण शरीर या किसी अंग विशेष पर हाथों के दबाव पूर्वक किसी द्रव या बिना किसी द्रव से ही की जाने वाली प्रक्रिया मालिश कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा में मसाज का अर्थ तेल से हाथों के द्वारा की जाने वाली क्रिया को मसाज कहते हैं। तो आइए जानते हैं मसाज और मालिश के क्या फायदे होते हैं। नंबर वन, बॉडी मसाज करने से मांसपेशियों की सिकुड़न और फैलने की क्षमता बढ़ती है। उनमें मेटाबॉलिज्म का कार्य सुचारू रूप से होने लगता है तथा शरीर में बन रहे फ्री रेडिकल्स को भी हटाया जा सकता है। नंबर टू, अधिक श्रम करने से जो मांसपेशियों में थकावट होती है वह भी दूर हो जाती है। नंबर थ्री, बॉडी मसाज करने से नाड़ी व रक्त प्रवाह सुचारू रूप से चलता है। नंबर फोर, बॉडी मसाज करने से नींद अच्छी आती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, त्वचा कोमल, चमकदार एवं दृढ़ बनती है। नंबर फाइव, प्रतिदिन बॉडी मसाज करने से रक्त संचार बढ़ जाता है जिससे त्वचा रोग नहीं होते। मालिश के समय लंबी लंबी सांसें लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे शरीर का विकार बाहर निकलेगा और शरीर में स्फूर्ति आएगी। नंबर सिक्स, विधि पूर्वक मसाज करना भी एक कला है। रोज बॉडी मसाज करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, चोट मोच आने पर ज्यादा दर्द नहीं होता। नंबर सेवन, रोजाना मालिश करने से रंग में भी निखार आता है और विशेष प्रकार की चमक पैदा हो जाती है। रोजाना पैरों की मालिश करने से पैरों में खुरदरापन, रुष्टता, कड़ापन, स्तब्धता, बिफाई, फटना आदि समस्याएं नहीं होती। नंबर एट, सिर की मालिश से मस्तिष्क में तरावट एवं मानसिक शांति का अनुभव होता है। नंबर नाइन, मालिश से त्वचा के छिद्रों में तेल भरा रहने के कारण किसी भी प्रकार के जीवाणु के प्रवेश का भय नहीं रहता। दोस्तों, ये तो हो गए मसाज के फायदे, लेकिन क्या आप जानते हैं मसाज या मालिश को किस तरह किया जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं मालिश करने की विधि के बारे में। नंबर वन, विधि पूर्वक की गई मालिश ही संपूर्ण लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले सिर में गुनगुना तेल लगाकर उंगलियों के पोरों से धीरे धीरे मालिश करें। सिर पर मालिश करते समय कान के पीछे का भाग तथा ऊपर के भाग, कनपट्टी वाले स्थान पर भी विशेष रूप से मालिश करें। नंबर थ्री, गर्दन की मालिश ऊपर से नीचे व पीछे से आगे की ओर करें। चेहरे की मालिश करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम संपूर्ण चेहरे पर अच्छी तरह से तेल लगा लें, तत्पश्चात माथे से शुरू करें। माथे के मध्य भाग पर दोनों हाथों की उंगलियां रखकर पीछे की ओर मालिश करें। नंबर फोर, गाल एवं ठुड्डी की मालिश हथेलियों के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर करनी चाहिए। गाल के उभरे हुए भाग तथा आंखों के चारों ओर पलकों में गोलाकार मालिश करें। नंबर फाइव, इसके बाद छाती, पेट तथा पीठ की मालिश करें। नंबर सिक्स, छाती एवं पेट की मालिश अनुलोम दिशा में यानी ऊपर से नीचे की ओर हल्के हल्के हाथों से मालिश करें। नंबर सेवन, दोनों भुजाओं पर ऊपर से नीचे समान गति में मालिश करें। नंबर एट, भुजाओं के विभिन्न भाग जैसे कोहनी, कलाई आदि, वहां पर गोलाई में मालिश करें। नंबर नाइन, इसी प्रकार उक्त विधि से मालिश पैरों पर भी करनी चाहिए। तलवों एवं हथेलियों पर मालिश से विशेष लाभ होता है, इसलिए यहाँ जरूर मालिश करें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि किन अंगों की मसाज किस तरह करनी चाहिए। नंबर वन, माथे की मसाज। दोनों अंगूठों को आईब्रो के ऊपर माथे के बीच में रखें, बाकी उंगलियां सिर के दोनों ओर रखें। मालिश बिल्कुल हल्के हाथ से होनी चाहिए क्योंकि चेहरे की त्वचा बेहद ही नाजुक और संवेदनशील होती है। धीरे धीरे अंगूठे से
मालिश करते हुए कनपट्टी की ओर ले जाएं, फिर कानों के साइड में मालिश करें। यह क्रिया 2-3 बार करें। नंबर 2, गालों की मालिश। दोनों हथेलियों की तर्जनियों को नाक के आसपास कुछ सेकंड तक रखें और थोड़ा दबाव दें। यह मालिश आपको तनाव मुक्त करने के साथ ही साइनस से भी राहत पहुंचाती है। फिर धीरे धीरे उंगलियों को कान की ओर ले जाएं, फिर उंगलियों को उठाकर नाक के नीचे रखें और उंगलियों को थोड़ा सा घुमाव देते हुए कान के नीचे जबड़े की हड्डी तक लाएं, जिसे जॉ बोन भी कहते हैं। इस क्रिया को हर बार हल्का सा घुमाव देते हुए दोहराएं और उंगलियों को जॉ लाइन से होते हुए ठुड्डी तक ले जाएं। नंबर 3, ठुड्डी की मसाज। यह मसाज जॉ लाइन को टोन करने के साथ ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। अंगूठों को ठुड्डी पर रखें, बाकी उंगलियों से जबड़े को सपोर्ट दें। अंगूठों से ठुड्डी पर नीचे व बाहर की ओर हल्के हाथों से मालिश करें। इस क्रिया को 6-7 बार दोहराएं। नंबर 4, गर्दन की मसाज। गले व कंधे पर जहां तक आप मालिश करना चाहते हो फेशियल ऑयल लगाएं। कानों के साइड से होते हुए कंधों तक धीरे धीरे हाथों से मालिश करें। यहां आप दोनों हाथों से बड़े स्ट्रोक ले सकते हैं, जिससे कंधे और गर्दन के सभी हिस्सों पर मालिश हो सके। इस क्रिया को हर बार हल्का हल्का घुमाव देते हुए दोहराएं और उंगलियों की जॉ लाइन से होते हुए ठुड्डी तक जाएं। बॉडी मसाज करवाने से पहले शरीर की बनावट को समझना जरूरी है। आपको अपने विभिन्न अंगों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे यह ज्ञात हो जाए कि मालिश करते समय कितना प्रेशर देना है और किस दिशा में देना है। बॉडी मसाज करवाते हुए हमें किस किस पॉइंट पर कितना दबाव डालना है, यह अलग अलग शरीर पर निर्भर करता है। विभिन्न अंगों के हिसाब से प्रेशर होना चाहिए, इसके नियम बनाए गए हैं। मांसपेशियों की कुदरती बनावट को ध्यान में रखकर की गई मालिश सर्वोत्तम रहती है। चेहरे पर मालिश करने से पहले चेहरा अच्छी तरह से साफ कर लें। दोस्तों, ये तो हो गई मसाज करने की विधि। अब हम आपको मसाज करते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं उन सावधानियों के बारे में। नंबर 1, प्रतिदिन संपूर्ण शरीर पर कम से कम 20-30 मिनट तक की मसाज करनी चाहिए। नंबर 2, मालिश करवाने के कम से कम आधे घंटे बाद नहाना चाहिए। भोजन एवं मसाज के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, इसलिए मालिश सुबह के समय करनी अच्छी होती है। नंबर 4, सर्दियों में खुली धूप में तथा गर्मियों में छाया में मालिश करना चाहिए। नंबर 5, जो लोग किसी रोग से पीड़ित हो, बुखार से ग्रस्त हो, उन्हें मालिश नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, प्रत्येक अंग पर कम से कम 5 मिनट तक मालिश करने से उत्तम लाभ प्राप्त होता है। ध्यान रखें जिस स्थान या अंग पर मालिश करें वह साफ हो। नंबर 7, किसी भी हड्डी पर दबाव डालकर मालिश ना करवाएं, सीधे रीढ़ पर मालिश करवाने से भी बचें। नंबर 8, मसाज कराते समय अपने शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ दें। गर्भधारण के दिनों में मालिश ना करवाएं। मालिश खुद करें तो झटके से ना करें, बल्कि हल्के दबाव के साथ करें। नंबर 9, मालिश करने का स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए। एकाग्रता से की गई मालिश शरीर में नई चेतना, जान, स्फूर्ति पैदा करती है। नंबर 10, बॉडी मसाज करवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि मालिश हमेशा लेट कर ही करवाएं, इससे काफी आराम मिलता है। नंबर 11, मालिश हमेशा नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर करवाएं। इस प्रकार की गई मालिश शिराओं को ताकत और शरीर को स्फूर्ति तथा ताजगी देती है। नंबर 12, प्रतिदिन मालिश ना करने वाले व्यक्तियों को सप्ताह में एक बार मालिश अवश्य करवानी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी मसाज के लिए कौन से तेल फायदेमंद होते हैं और उनके क्या फायदे हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि बॉडी मसाज करना कितना महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर को फिर से जीवंत ही नहीं करता, बल्कि मन और आत्मा को भी शांति एवं राहत प्रदान करता है। बॉडी मसाज की प्लानिंग करने से पहले मन में यह सवाल उठता है कि बॉडी मसाज के लिए किस ऑयल का इस्तेमाल किया जाए। वास्तव में बॉडी मसाज के लिए इस तरह के ऑयल का चुनाव करना चाहिए जो शरीर के विकारों को दूर करे और साथ ही उसकी भीनी खुशबू भी मन और आत्मा को तरोताजा करे।
बाजारों में कई तरह के बॉडी मसाज ऑयल उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग विभिन्न तरह के स्पा में भी किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बॉडी मसाज के लिए उपयोग में आने वाले कुछ सर्वोत्तम ऑयल के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं उन ऑयल के बारे में। नंबर 1, जोजोबा ऑयल। इस ऑयल में एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है और इस ऑयल से शरीर एवं चेहरे पर मसाज करने से मुहासे, त्वचा की एलर्जी और पीठ की समस्याओं से राहत मिलती है। जोजोबा के पेड़ से मोम निकलता है, उसे ही जोजोबा ऑयल के नाम से जाना जाता है और इस ऑयल से पूरे शरीर का मसाज करने पर कई प्राकृतिक फायदे होते हैं। यह देखने में स्किन के सीबम की तरह होता है क्योंकि इसमें मोम एस्टर होता है। यह शरीर में सीबम को बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 2, ऑलिव ऑयल। इस ऑयल में जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, कैल्शियम एवं आयरन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में बहुत फायदेमंद होते हैं। ऑलिव ऑयल सभी प्रकार की त्वचा के लिए अच्छा होता है और इस ऑयल से मसाज करने पर शरीर की कठोरता या कड़ापन दूर होता है और शरीर की त्वचा मुलायम बनती है। नंबर 3, लेमन ग्रास। भाप के आसवन की प्रक्रिया द्वारा लेमन ग्रास की पत्तियों को हल्का सुखाकर या ताजे पत्तियों से यह तेल बनाया जाता है। शरीर की थकान दूर करने में यह ऑयल बहुत फायदेमंद होता है। यह पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को ठीक करता है और सिरदर्द एवं तंत्रिकाओं से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। यह ऑयल श्वसन से जुड़े विकारों में फायदेमंद होता है और मांसपेशियों में तनाव को कम करने, शरीर में ऐठन, मस्तिष्क की बीमारियों एवं बुखार में अत्यंत उपयोगी होता है। नंबर 4, बोराज ऑयल। इस ऑयल में खनिज, विटामिन, गामा लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड मौजूद होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। बोराज के ऑयल से मसाज करने पर शरीर में मौजूद कई विकार आसानी से दूर हो जाते हैं। सोराइसिस और एक्जिमा के इलाज में भी बोराज ऑयल का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, स्वीट अलमंड। शरीर के मसाज के लिए यह सबसे अधिक लोकप्रिय ऑयल है। यह ऑयल बादाम से निकाला जाता है और पीले रंग का होता है। बादाम के तेल में ओलेइक और लिनोलेइक एसिड पाया जाता है और इस ऑयल से शरीर एवं चेहरे पर मसाज करने से शरीर की त्वचा कोमल और मुलायम होती है और यह ऑयल त्वचा को नमी प्रदान करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा मांसपेशियों में दर्द एवं तकलीफ को दूर करने में भी सहायता करता है। नंबर 6, नारियल का तेल। इस ऑयल को अन्य ऑयल की अपेक्षा अधिक गाढ़ा एवं भारी माना जाता है, लेकिन इस ऑयल में अधिक चिकनाहट नहीं होती। नारियल के तेल में लैक्रिक एवं लैरिक एसिड पाया जाता है, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट का काम करता है और यह हमारी त्वचा को हानिकारक रोगाणुओं से बचाता है। इसमें फैटी एसिड की परत होती है, इसलिए यह त्वचा की नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। विटामिन ई की उपस्थिति के कारण त्वचा फिर से जीवंत हो उठती है और तरोताजा बनी रहती है। नंबर 7, एवोकेडो बॉडी ऑयल। इस ऑयल में एंटी रिंकल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो बढ़ती उम्र के कारण से होने वाली झुर्रियों एवं दाग धब्बों को कम करता है। एवोकाडो ऑयल में विटामिन ए, डी और पोटेशियम पाया जाता है और इससे शरीर पर मसाज करने से रैशेज और एक्जिमा की समस्या दूर हो जाती है। पैंथोथेनिक एसिड भी पाया जाता है, जो त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है और स्किन को लचीला बनाता है। नंबर 8, सैंडवुड मसाज ऑयल। शरीर की त्वचा से विकारों को दूर करने एवं चेहरे की त्वचा को उज्जवल बनाने के लिए सैंडवुड ऑयल से मसाज करना फायदेमंद होता है, लेकिन सैंडवुड ऑयल में बादाम, जैतून और ऑलिव ऑयल मिलाने के बाद ही इस ऑयल से मसाज करना चाहिए। इस ऑयल से मसाज करने पर शरीर में मौजूद हर तरह के विकार लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा धूप में झुलसी त्वचा और स्किन के दाग धब्बों को दूर कर त्वचा पर निखार लाने के लिए सैंडवुड ऑयल से मसाज किया जाता है। नंबर 9, अरंडी का तेल अर्थात कैस्टर ऑयल। इस ऑयल में सूजन रोधी गुण पाया जाता है, यही कारण है कि इस ऑयल का उपयोग बॉडी मसाज के लिए किया जाता है। यह ऑयल शरीर के दर्द एवं गंभीर पीड़ा को दूर करने में मदद करता है।
आमतौर पर यह एक आयुर्वेदिक ऑयल है जो बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नंबर 10, शीशम बॉडी मसाज ऑयल। सदियों से इस ऑयल का उपयोग शरीर की त्वचा के मसाज के लिए किया जा रहा है। शीशम ऑयल से मसाज करने से त्वचा की जलन दूर होती है और स्किन की समस्याओं को दूर करने में भी यह अत्यंत उपयोगी होता है। त्वचा पर जमी अशुद्धियों को दूर करने में भी इस ऑयल का उपयोग बहुत लोकप्रिय है। नंबर 11, तुलसी ऑयल। यह ऑयल त्वचा में काफी गहराई तक प्रवेश करता है और त्वचा को पोषण प्रदान करता है। जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आमतौर पर तुलसी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। यह त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है और शरीर के दर्द को भी दूर करने में उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ बॉडी मसाज ऑयल। यदि आप मालिश करवा रहे हैं तो आपको सबसे पहले मालिश में इस्तेमाल होने वाले तेल के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको इनमें से कुछ तेल से एलर्जी हो। लेकिन यहाँ हमने आपको बहुत सारे तेलों के बारे में बताया है, तो आप इनमें से किसी भी एक तेल का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।